ऐसी भी कहानी होती है जो अपनी रियल लाइफ से जुड़ी होती है। लोग कहते हैं कि समय किसी के पास होता नहीं है और वो समय किसी की आखिरी सांस बनी हुई रहती है। जीना तो सबको आता है और जिसके पास जिंदगी में जीना ही ना हो तो सिर्फ वक्त के बने हुए रहते हैं। ए वक्त मुझे तू ले आ। आज ये फैलती हुई बीमारी को लेके लोगों का घर एक डॉक्टर बन गया है। कुछ बीमारी हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, गोली खाओ और दो दिन में ठीक हो जाओगे। पर एक मिडिल क्लास लेडी, उसकी बीमारी ऐसी थी कि सब डॉक्टर सिर्फ हर एक नए नए डॉक्टर के पास भेज रहे थे। जब उसको अपनी बीमारी का पता चला तो टूट पड़ी थी, बिखर गई थी। उसके सामने मेरी फैमिली, आज मैं इस दुनिया में अगर नहीं रही तो कैसे जिएंगे। पर उनका हौसला कायम था। आखिर में एक ऐसा हॉस्पिटल मिला कि वहां उनका इलाज हो सकता है। पर वो बीमारी ऐसी थी कि उनका मन पूरी तरह से टूट चुका था और वो बीमारी थी कैंसर। वो हर वक्त ऐसी सोचती थी कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी वक्त है। वो उस हॉस्पिटल में गई तब उन्होंने ऐसा देखा कि मैं जिस बीमारी में हूँ, ऐसे बहुत लोग उसी बीमारी के थे और वो लोग अपनी जिंदगी को बहुत मज़े से जी रहे थे। ऐसे जी रहे थे कि उनको ऐसी बीमारी नहीं है। उनको देखकर उनका हौसला और बढ़ गया। उनको लगा अगर हमारी सोच में यह बीमारी पूरी तरह से निकाल दे तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी पाएंगे। उस समय उनको एक डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसी बीमारी को लेके रो रहे हो, आज कितने एक्सीडेंट होते हैं, किधर पुल टूटता है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। उनको ऐसे कोई बीमारी नहीं रहती, उनको पता भी नहीं रहता है कि मैं अभी थोड़ी देर के बाद मरने वाला हूँ। आपके पास पूरी जिंदगी है, आप एक बीमारी को लेके क्यों रो पड़े हो? अपने पास इतने सारे अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उस डॉक्टर की बात सुनकर उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। कुछ दिन के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय मदद करने वाले भी घूम फिरे हुए थे। ऐसे वक्त में उनका सहारा उनके पति थे। उन्होंने बहुत सहायता की। उनकी लड़की का एग्जाम आना और उस एग्जाम में उसको कैंसर में प्रोजेक्ट मिलना। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। वो सोच रही थी मेरी माँ को कैंसर है और मुझे प्रोजेक्ट कैंसर के ऊपर मिला। पर उसकी लड़की ने अपने आंसू को रोककर वो प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छा बना लिया। उसकी माँ को यह सुनकर उनकी आंखों से पानी रुक ही नहीं रहा था। आखिर में उनका हौसला, उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग कायम रहना, इनकी वजह से वो आज अपनी बीमारी को मात दे सकी और वो आज अपनी जिंदगी को बहुत खुशहाली से जी रहे हैं। पर दोस्तों, आपके जैसे बहुत लोग ऐसी बीमारी को झेल रहे हैं। उनका कहना है कि हम हमारी बीमारी को हर वक्त सोचते रहेंगे तो हम कभी भी जी नहीं पाएंगे। ज्यादा करके वो बीमारी की जड़ अगर छोटी भी होगी तभी भी आपके सोचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा होती है। आज ही टाटा हॉस्पिटल में बहुत लोग कैंसर में हैं, पर वहाँ उनको यह सलाह दी जाती है कि आप लोगों को कैंसर है यह दिमाग से निकाल दो, एक आम जिंदगी जैसे जियो। उनके हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग और बिलीव को बढ़ाते, एक आत्मविश्वास की लहर को जगाते।